हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मसूरी से, और आप सबका मेरे ब्लॉग में मसूरी की खूबसूरत वादियों से स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम मसूरी में हैं और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मसूरी की खूबसूरत वादियाँ। और मसूरी को पहाड़ों की जो रानी कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियों में जो खूबसूरती दिखाई देती है वो देखने लायक होती है। और अगर टूरिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 12 महीने फुल रहता है, टूरिस्ट की भीड़ यहाँ पर कभी कम नहीं दिखाई देती। लेकिन क्रिसमस आने वाला है और न्यू ईयर आने वाला है तो अभी से होटल बुक हो चुके हैं और यहाँ पर एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप भी पर्वतों के में घूमने के लिए शौकीन हैं तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा। अगर आप मसूरी आते हैं और एक हफ्ते का टूर बना के आते हैं तो आप मसूरी के साथ साथ धनौल्टी, काणाताल, सुरकंडा देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। देहरादून से मसूरी का डिस्टेंस 33 किलोमीटर है और मसूरी से जो धनौल्टी है 42 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो अभी विंटर टाइम है और स्नोफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप स्नोफॉल देखने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर स्नोफॉल का मज़ा ले सकते हैं। के साथ ही धनौल्टी में इको पार्क है, एक इको पार्क मार्केट से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है जो आप ये सामने देख रहे हैं। यहाँ पर आपको टिकट लेना होता है और जो बड़ों का टिकट है वो 50 रुपये है, छोटे बच्चों का 9 साल तक के बच्चों का 25 रुपये टिकट पड़ता है। और इसकी मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाली है, आप वहाँ देख सकते हैं। और दूसरा जो इको पार्क है वो मार्केट के बीच में है और वहाँ पर भी सेम रूल्स हैं, बड़ों का 50 रुपये और छोटों का 25 रुपये है और आप फुल डे वहां पर घूम सकते हैं। इस साथ जो धनौल्टी में इको पार्क अंबर में है वहाँ से सनसेट व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर आपको सनसेट देखना पसंद है तो आप वहाँ से ये दृश्य देख सकते हैं और साथ ही इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। धनौल्टी से आप हिमालय के दर्शन भी कर सकते हैं और यहाँ से मॉर्निंग टाइम पर हिमालय बहुत क्लियर दिखता है। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ, सुबह के टाइम पे आएँ और मॉर्निंग वॉक करते हुए अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद बात करते हैं माँ सुरकंडा देवी के मंदिर की, जो कि धनौल्टी से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। आप वहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं, वहाँ घोड़े से या ट्रॉली से आप जा सकते हैं। इसके बाद आता है काणाताल, और काणाताल सुरकंडा से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। काणाताल एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है तो आप काणाताल आइए और यहाँ पर इसका लुत्फ़ उठाइए। इसके साथ साथ यहाँ पर जंगल सफारी की जाती है। अगर आप इवनिंग टाइम पर जंगल सफारी करते हैं तो आपको यहाँ पर जंगली जानवर इजीली दिख जाएंगे, लेकिन सुबह के टाइम पर और दिन के टाइम पर इतने नहीं दिखते हैं। हिरन आपको मिल जाएगा और इसके अलावा और तो नहीं दिखते हैं। साथ ही बहुत सारी बर्ड्स आपको दिखती हैं
और जो ये घना जंगल है इसके बीच से जब आप गुजरते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति होती है। यहाँ पर हिमालय दर्शन पॉइंट भी है जहाँ से सामने अगर आप देखें, अभी दिन का टाइम है तो इसलिए हिमालय क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप मॉर्निंग टाइम पे आते हैं तो आपको यहाँ से पूरे हिमालय के दर्शन होते हैं। सामने पूरी सामने की घाटी दिखती है और ये जो सामने है ये भी कांडाताल का जो जंगल है, जब आप जंगल सफारी करते हैं तो सामने आपको एक पेड़ दिखेगा जिस पर नेचुरली शिव जी का जो त्रिशूल है उस पे बना है, त्रिशूल के आकार का पेड़ है ये और इसके आपको यहाँ पे दर्शन होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जंगल के बीच में अगर मंदिर की बात करें तो आपको एक मंदिर मिलेगा इस जंगल सफारी में, और ये सामने जो मंदिर है ये है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, यहाँ पर आप इसके दर्शन भी कर सकते हैं और दर्शन के साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत ही अलग ही अनुभूति होगी। तो अगर आप मसूरी आते हैं तो आप मसूरी से एक नहीं चार चार जगह घूम सकते हैं, धनौल्टी, कांडाताल, सुरकंडा देवी, और साथ ही आप कांडाताल में एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपको अपने मन से, अपने दिल से अपने डर को हटाना है तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि आप यहाँ पर आके एक्टिविटीज़ का मज़ा लीजिए। क्रिसमस आने वाला है, विंटर वेकेशन आने वाली है, न्यू ईयर आने वाला है, तो इस साल आप इन चार डेस्टिनेशन को में घूमकर अपनी छुट्टियों का मज़ा ले सकते हैं और अपने टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपका मोस्ट वेलकम है।